ऐसी चाहिए और बच्चों को शामिल कीजिए और खुद शामिल रहिए कृपा करके। जब तो आप लोग शांत नहीं होंगे तब तक कथा शुरू नहीं होगी क्योंकि सुनाई नहीं देगा। इसलिए माताओं से मिलती है बातचीत मत कीजिए। हरे कृष्णा माताएं बातचीत मत कीजिए। जहां जगह मिले बैठ जाए माताएं हरि बोल। सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए हरे कृष्णा
जैसे जिसके पास दादी वाह इसमें जिसके पास दादी होती है उसको क्या कहते हैं दादी वाह, जिसके पास दादी है दादी वाह। ऐसे छह ऐश्वर्य कौन कौन सा ऐश्वर्य बताया हमें, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे शक्तिमान, सबसे फेमस, सबसे सुंदर और वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप। ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में शाश्वत काल के लिए जिनके पास है उस भक्ति को हम सिर्फ क्या कह सकते भगवान। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना इति भविकरणम्। तो भगवान को है ये सारे ऐश्वर्य के मूल स्त्रोत्र है, इनसे सारे अवतार आते हैं, नारायण आते हैं, विष्णु आते हैं, सारे देवता आते हैं, सारे ऋषिगण, सारे जीव आते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो, इसलिए ब्रह्म से भी तुम्हें ब्रह्मा जी नाते हैं, क्या कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण है भगवान गोविंद। बोलो गोविंद देव की, बोलो गोपाल जी की, बोलो कृष्ण भगवान की। जैसे कमरे में 100 मोमबत्ती रखी और किचन से हम एक मोमबत्ती जला कर लेके आते, तो किचन से जो मोमबत्ती जला कर लेके आते हैं वो मुख्य मोमबत्ती है जो सारे मोमबत्तियों को प्रकाश देने वाली। इस मोमबत्ती से जो किचन से जला कर लाए हैं उस मोमबत्ती के कारण सारी मोमबत्ती प्रकाश देने वाली। ऐसे भगवान कृष्ण गए ओरिजिनल मोमबत्ती है जिनसे सारे विष्णु सारे नारायण सारे अवतार सारे देवताओं को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, संपत्ति मिलती है, सारे ऐश्वर्य। तो मूल कौन है भगवान कृष्ण। जैसे घर में स्विच बोर्ड होती है कि नहीं, मेन स्विच बोर्ड होती है और हर कमरे में लाइट होता है, बाथरूम में जीरो का लाइट क्योंकि वहां गंदा काम करते हैं, हमें देखने की इच्छा नहीं होती, इसे बाथरूम में जीरो का लाइट होता है। जहां सोते हैं 40 का बल्ब होता है, जहां पढ़ाई करते हैं 60 का बल्ब होता है, किचन में 100 का क्योंकि चावल गिने हैं सब्जी साफ करनी है उसमें कीड़े ना हो तो 100 का बल्ब। ऐसे हर कलर में अलग अलग कैपेसिटी के क्षमता के बल्ब होते हैं, लेकिन सारे बल्बों में पावर कहाँ से आती है स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड है भगवान कृष्ण। बाकी जितने भी लाइट है नारायण विष्णु अवतार के साथ, क्योंकि सारे नारायण में विष्णु में अवतार में 60 गुण, कितने गुण, शिव जी में 58 गुण, ब्रह्मा में 55 गुण और जीवात्मा में 50 गुण। जीवात्मा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त कर सकता है, कितना ब्रह्मा की। अरे भगवान ने जो वर्णाश्रम दिया उसको देवी वर्णाश्रम कहते हैं, उस देवी वर्णाश्रम का 100 जन्म हम सही तरीके से पालन करेंगे तो जीवात्मा में ब्रह्मा बनने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि 5 जो गुण है हम कभी प्राप्त करेंगे 100 जन्म भगवान ने दिए हुए दैवी वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो जीवात्मा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त कर सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा को भी जन्म है मृत्यु है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिरो अर्जुन। लेकिन शिव जी एक विशेष तत्व है, ना वो चिन्ह तत्व है ना विष्णु तत्व है, इसलिए ब्रह्मा से ज्यादा 3 गुण इसमें होते हैं शिव जी। और शिव जी की पोस्ट कभी लेने के लिए कोई जीव तैयार नहीं होता, उसके योग्यता नहीं होते, तो भगवान खुद तमोगुण में आकर शिव जी की पोस्ट देते, इसलिए शिव जी लगभग विष्णु के समान है। समझ गए, जैसे दूध से दही बनता है दूध में विकार डालने से, ऐसे शिवजी गुणों में विकार आने से शिवजी विष्णु ही शिवजी बनते। क्षीरम विकार विशेष योगा संजायते पुत्रस्ति हेतु यह शंभुताम भी समुपैति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। रात को हम गुनगुने दूध में नींबू निचोड़ते हैं, दही का बूंद डालते हैं, छाछ का बूंद डालते हैं, तो ये बूंद डालने से दूध में विकार आता है, दूध का क्या बनता है,
ऐसे दूध भगवान कृष्ण है, उसमें विकार आने से शिव जी बनते हैं, समझ गए। इसके उनमें कितने गुण होते हैं? 58 गुण। और सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार राम, इसमें 60 गुण। सिर्फ एक व्यक्ति में 60 प्लस 4 होते हैं, 60 और 4 कितने हो गए? 64। इसे 64 के 64 गुण पूर्ण मात्रा में जिनमें होते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, समझे। पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं 64 में से 64 गुण एक व्यक्ति में। चार विशेष गुण क्या है? रूप माधुरी, उनका रूप सुंदरता हर क्षण बढ़ते जाती है। इसे भगवान भी कभी कभी अपने आप को समझ नहीं पाते। एक बार द्वारका में फर्श में वो देख रहे थे, तो देखते थे तो वो विस्मयचकित हुए कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि भगवान का सुंदरता हर क्षण बढ़ती जाती है। क्योंकि भगवान की सुंदरता देखकर गोपियों की खुशी होती है, गोपियों की खुशी देखकर भगवान और सुंदर बनते हैं, और सुंदर भगवान को देखकर गोपी और खुश होते हैं। इस प्रकार गोपियों में और भगवान में स्पर्धा कभी खत्म नहीं होती। भगवान सुंदर बनते जाएंगे, गोपियों की खुशी मिलेगी, गोपियों को और खुशी मिलेगी, भगवान और सुंदर बनते रहे। इसलिए भगवान की उम्र माताएं आवाज मत कीजिए, जहां जगह मिली बैठ जाइए, हरि बोल, जहां जगह मिली बैठ जाइए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। एक तो लेट आए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाए जहां मिली, सब लोगों को डिस्टर्ब करें। आप लोग माताएं हिंदी समझते आप, बैठ जाए जगह मिली, बैठ जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम का है, क्यों? एक चार गुणों की कमी है, समझ गए। तो एक ही व्यक्ति है जो पूर्ण 64 के 64 गुण, 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में धारण करता है, इसलिए उनका नाम क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो उसके बाद हम देखेंगे हरे कृष्ण, क्या देखेंगे अभी? ये 6 ऐश्वर्य क्या है? सबसे शक्तिशाली भगवान में सारी शक्तियां समय माताएं, हरि बोल। ये माताएं कौन है? बैठ जाए माताएं, क्यों डिस्टर्ब करे सबको, बैठ जाए जहां मिले जहां मिली, लेट ना कर बापों को डिस्टर्ब करती, सुनना है ना आके दिखा दे सबको, बैठ जाए जहां मिले, कृपा करके माताएं, हरि बोल। मुझे समझ में आती नहीं, हरे कृष्ण। जो पीछे में माता जी बैठे हैं, जो हमारे सेंटर से जुड़ी हुई हैं, उनसे आग्रह है कि पीछे से आप आगे ना आने दें, क्योंकि अब आगे की सफर नहीं है, अभी आगे किसको मत छोड़ो, वो आगे में आएगी, जहाँ पीछे है पीछे बिठाइए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पीछे में ही बैठा दीजिए, या फिर बाहर में भी ग्रीन कैमरा लगा हुआ है, बाहर में भी स्क्रीन चल रहा है, अब बाहर भी बैठे समझिए थोड़ा। अब चार माताओं के कारण 400 लोग डिस्टर्ब हो गए, बताइए बैठते हैं, बैठते हैं, हरिबोल माता जी, हरिबोल, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक आधा घंटा पहले तो मैं खोता है, प्रॉब्लम है कुछ, आधा घंटा पहले नहीं थे, अरे आगे चलो, एक तो आधा घंटा पहले आइए, क्यों 400 लोगों को निश्चित नहीं होगा, बैठ जाइए। देखिए कितना हल्ला बोला होगा आप चार लोगों के कारण, हरिबोल, बातचीत मत कीजिए अभी, हरिबोल, माता जी शांत हो जाइए, अभी आगे किसको मत छोड़िए माता है, जो पीछे माता बैठे वहां से जो लोग आ रहे उनको मत छोड़िए, आगे जहां जगह मिले बैठ जाइए। तो भगवान का मतलब क्या है? सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान, भगवान में सारी शक्तियां समाई होती है। तो भगवान से सारी शक्तियां, जैसे शास्त्र में क्या कहे, पराश शक्ति विविध है, वायु सूर्य इंद्र चंद्र देवता, यहां तक मृत्यु भी भगवान की भय से कार्य कर रहा है। होता है आपको लेक्चर कर रहे हैं क्या काम है, हिंदी समझ में रहेगा आपको, अब सुनने के लिए सबको विश्वास निकल रहा है। तो भगवान में इतनी ताकत है, भगवान इस भौतिक जगत को भय के द्वारा चलाते, मद भयात वातो वातो यम मद भयात तपति सूर्य, सारे देवता भयभीत होकर समय पे काम कर रहे, इतने शक्तिशाली भगवान है। तो भगवान ने 7 साल में क्या किया है, अपने सबसे कमजोर शरीर का जो अंग है अंगुली पे, इसको धारण किया है, 21
भंडार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग के जो भगवान है उनको ये ओपन चैलेंज है कि आप गोवर्धन पर्वत में दुखाई अपनी उंगली पर 1 किलो की ईंट उठाकर दिखाई। 1 किलो की ईंट होगी ना, वो उठाकर दिखे 1 घंटे के लिए। भगवान ने पूरा 21 किलोमीटर का एक पहाड़ अपने है। तो कलयुग के भगवान क्या करते हैं, डायरेक्ट रासलीला में प्रवेश करते हैं, डायरेक्ट गोपी जनों वल्लभ। लेकिन गुरुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण गोपी जनों वल्लभ होने से पहले गिरिवलधारी थे, पहले गिरिवलधारी बनके दिखाओ। पहाड़ नहीं, पर्वत नहीं, 1 किलो की ईंट अपने उंगली पे धारण करके दिखाओ, हम आपको भगवान स्वीकार करेंगे। समझ गए? क्योंकि भगवान ने बचपन में जितने भी असुरों को मारा है बिना शस्त्र के मारा है, लेकिन गोपाल को मारने के लिए शस्त्र वास्त्र की भी जरूरत पड़ती, इतनी ताकत है। समझ गए? ये भगवान का ट्रैक रिकॉर्ड है, बचपन का इतिहास है। एक भी असुर को मारने के लिए शस्त्र वास्त्र की जरूरत पड़ी, क्योंकि सारी शक्तियां भगवान ने समझ। पूतना 12 मील लंबी थी, उस पूतना को होठों से मारा है, ये भगवान की ताकत है। 12 मील जो पूतना लंबी थी उसको हमेशा के लंबा कर दिया सिर्फ ओठों से मारकर। समझिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलराम जी उनके कंधे पर हाथ रखते खड़े हैं। भले बलराम जी किसके स्तोत्र है, सारे शक्तियों के, सारे बल के स्तोत्र है, उस बलराम जी को भी उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा होना पड़ता है कृष्ण। तो ये ताकत है बलराम जी, भले छोटे हैं लेकिन बहुत ताकतवर। कृष्ण बलराम की तो यश देखते हैं, सुर हो या असुर हो सब भगवान का ही यश गुणगान कर, क्योंकि गुण एक ही व्यक्ति का हो सकता है, वो है भगवान कृष्ण। इसलिए भजन कीर्तन और भक्ति शब्द, ये शब्द सिर्फ कृष्ण को लागू होते हैं। कौन कौन से शब्द? भजन कीर्तन भक्ति, किसी देवता का भजन नहीं हो सकता, उनकी पूजा हो सकती है, उपासना हो सकती है। पूजा और भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति यानी बिना कोई हेतु सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए जो कार्य करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। अहेतु की अप्रियता वो भक्ति आत्मा को संतुष्ट देती है। सुन गए? तो पूजा उपासना देवी देवताओं की होती है, भक्ति से भगवान कृष्ण की होती है, और भजन भी किसका होता है, कीर्तन किसका होता है, जिसकी कीर्ति अजरामर है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो सबको जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का ही कीर्तन हो सकता है, क्योंकि जिसकी कीर्ति अजरामर है उसका कीर्तन होता है। क्योंकि भगवान जन्म मृत्यु से परे है और उनके जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते, इतना भगवान का यश है कि सिर्फ उनके जन्म के बारे में सुनकर हम बद्ध जीवात्मा मृत्यु से परे हो सकते हैं। अरे भगवान का वचन है गीता में 14:9 जन्म कर्म चले दिव्यम यो वेदी तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम्। समझिए, तो भगवान कौन है, जन्म मृत्यु से परे, इसलिए उनका नाम क्या है, मुकुंदा है। जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले सिर्फ भगवान कृष्ण है, और ये शिव जी का कहना है, शिव पुराण में माता पार्वती को कह रहे कि माता मैं जीवों को मुक्त नहीं कर सकता, मेरे जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जो प्रामाणिक मेरी उपासना पूजा करते हैं, मृत्यु के समय उनके कान में मैं राम नाम देकर अगले जन्म में उनको वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान कर सकते। तो श्लोक में कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु, इसके भगवान का एक नाम है मुकुंदा। मुकुंदा का मतलब क्या है, मुक्ति प्रदान करने वाले, किससे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करने वाले। क्योंकि शिवजी एक खंभे को बंधे है और ब्रह्मा जी एक खंभे को बंधे, शिवजी तमोगुण में बंधे है, ब्रह्मा जी रजोगुण में, दो व्यक्ति दो खंभे को बंधे हैं और एक दूसरे को चुना रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ सकते हैं दूसरे को,
लेकिन जो बंधन से परे है, बंधन से मुक्त है, तीन गुणों के, तीन तत्वों के, छह प्रकार के ऋणों से, जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्त है, ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब है दा, का मतलब है देने वाला, मुक्ति देने वाला कौन है? मुकुंद। इसलिए इनका यश गुणगान करने के लिए मनुष्य जीवन दिया है, क्योंकि देवताओं का गुणगान नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका जन्म है, मृत्यु है, जिनमें चार प्रकार की कमियां हैं, उस जीव का देवता का गुणगान हो ही नहीं सकता। इसलिए सारे के सारे देवता मिलकर किसका गुणगान करते हैं? भगवान कृष्ण का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, देवताओं को जन्म होता है और मृत्यु होती है। इसलिए जितने भी देवता है उनका विसर्जन होता है, दुर्गा विसर्जन, गणपति विसर्जन, कभी कृष्ण विसर्जन सुना आप लोगों ने? नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे है उसका विसर्जन कैसे होगा? जो व्यक्ति जन्म ही नहीं लेता तो उसका विसर्जन कैसे होगा? इसलिए गुणगान किसका होना चाहिए? जो जन्म मृत्यु से परे है, जिसकी कीर्ति अजरावर है, समझ गए, ऐसे व्यक्ति को है भगवान कृष्ण। इसलिए कीर्तन शब्द काली कीर्तन नहीं, शिव कीर्तन नहीं, कृष्ण कीर्तन। भजन का मतलब है कृष्ण भजन, भक्ति का मतलब है कृष्ण भक्ति। इस प्रकार कृष्ण का चर्चा सारे देवी देवताओं में होती, सुर हो या असुर हो, सुर की चर्चा करते देवता कैसे भगवान है, और असुर की चर्चा करते कैसे भगवान ही, लेकिन विषय क्या है? भगवान ही विषय है, समझ गए। इसलिए सबसे ज्यादा ग्रंथ, किताबें, उपनिषद, पुराण, एक इसके बारे में कृष्ण के बारे में, समझ गए, क्योंकि वो सारे शास्त्रों के निर्माता है, ज्ञाता है, निर्माता है। इसलिए सारे वेद, सारे शास्त्र क्या करते हैं सृष्टि में? सिर्फ एक ही व्यक्ति की गुणगान करते, वो है भगवान। इसलिए भगवान को फेमस बनना नहीं पड़ता। भौतिक जगत में देखते हैं कलयुग में विशेष करके एक देवी देवता भी है, एक तीन लोगों पे निर्भर है। ये तीन लोग देवी देवताओं को कलयुग में फेमस करते हैं, कौन? फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार और नेता लोग। तो कलयुग में ये तीन लोगों को क्या कहें? सेमी गॉड। क्या कहें? पहले जमाने में देवी गॉड थे, कलयुग में कौन है? जो देवी गॉड को फेमस करने वाले कौन है? सेमी गॉड। जैसे अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुरी जब तक सिद्धि विनायक नहीं गई, सिद्धि विनायक किसको मालूम नहीं था, याद रखें। उसके बाद लोग टूट पड़े, सारे भारत से लोग दादर में आने लगे, क्यों? क्योंकि किसने फेमस किया? अमिताभ बच्चन, समझ गए। उसके बाद बाबा किसको मालूम नहीं थे, जब मनोज कुमार ने पिक्चर निकाला बाबा का तो बाबा फेमस हो गए, इसके पहले मालूम नहीं था बाबा किसको, समझ गए। इस प्रकार देवी देवता किस पे निर्भर है? एक तीन लोगों पे निर्भर है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार और नेता लोग। ये लोग इनको फेमस करेंगे, समझ गए। अरे नेताओं के मंदिर बन रहे, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, तेंदुलकर का मंदिर है, उनकी आरती भी होती है। तो इतनी मूर्खता है कलयुग में, भगवान को छोड़कर हम साधारण व्यक्ति को भगवान बना दिए। इसलिए भगवान हमें अपनी औकात दिखा रहे, समझ गए। हमें साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं स्वीकार करना है और भगवान को साधारण नहीं समझना है। इसलिए कलयुग में इतनी समस्या आ रही है। माताएं आवाज मत कीजिए पीछे, चुपचाप सुनिए, इनको सुन रहे हैं और पीछे जाकर बैठी बहुत जगह। तो समझ गए, देवताओं को फेमस बनने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, भगवान पहले से फेमस है। उल्टा भगवान फेमस करते हैं, जैसे अरुण चलोपाध्याय 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में घूम रहा था, जब कोई उसको गाने का मौका नहीं देता। लेकिन हमारा जो बॉम्बे में जुहू मंदिर है, जुहू मंदिर में जन्माष्टमी की रात वहां एक बड़ा हॉल है, भक्ति कला क्षेत्र। क्या है? उस भक्ति कला क्षेत्र के हॉल में भक्त
भक्तों ने पहली बार इस अनूप जनाटों का जन्माष्टमी के रात भगवान का भजन गाने का मौका दिया। उस रात में वो फेमस हो गए। कौन सा भजन गाकर? मैं नहीं माखन खायो, समझ गए? तो फेमस किसने किया है? माखन चोर, समझ गए? तो भगवान को फेमस बनने की जरूरत नहीं, इससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास कोई आए ना आए, देवता लोग अपना दुकान खोल कर बैठे, वो दुकान चलाने के लिए उनको जो भी उनके उपासना करने वाले पूजा करने वाले हैं उनको वो चीज देनी पड़ती है, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ेगा, समझ गए? देवता लोग उपासक पर निर्भर है, उनकी पूजा करने वाले पर निर्भर है। जो भी उपासना करने वाले पूजा करने वाले उनको चीज देनी पड़ती है, नहीं तो बनिया का दुकान बंद करना पड़ेगा। जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर को वरदान शिव जी को देना ही पड़ा, क्यों? क्योंकि अंत तक भस्मासुर अपना गला काटकर यज्ञ में डालने के लिए तैयार हुए, तब शिव जी को जबरदस्ती वो वरदान अपने उपासक को देना पड़ा। भले शिव जी को मालूम था ये वरदान लेकर मेरे पर ही ट्राई मारने वाले, और ऐसा ही हुआ है। तो देवता लोग बंधे हुए अपनी पूजा से उपासना से, वो उनको वो चीज देनी पड़ती है जो उनके उपासना है, लेकिन भगवान कृष्ण बंधे नहीं है। इसलिए भगवान के पास बहुत कम लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान उनका छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? आपके जीवन में जो अमंगल चीज है उसको हरण करने वाले हरि है। हरि शब्द की व्याख्या शास्त्र में की है, सर्व अमंगल हरति इति हरि। आपके जीवन में जो भी अमंगल है, पिता के घर लौटने के लिए रास्ते में जो भी बाधा है उसको हरण करने वाले कौन है? हरि। लेकिन हम गलत अर्थ दिखाते हरि का। क्या लगता है भगवान हमारे हाथ से क्यों छीन रहे? जैसे उदाहरण बताता हूं, देवता और भगवान में फर्क है। क्यों बता रहे? ताकि हमें पता चलेगा आज किसकी जन्माष्टमी है, साधारण देवता के नहीं। क्या फर्क है देवता और भगवान में? जैसे एक सिगरेट का छोटा दुकान है, इसको बॉम्बे में टपरी कहते हैं, छोटा खोखा होता है सिगरेट का, वहां सिगरेट पान बीड़ी बेची जाती है। क्या कहते हैं भाषा में इसको? सिगरेट की छोटी दुकान, पान बीड़ी सिगरेट बेचते गुमती। तो उसमें एक बच्चा पिता के पॉकेट से 100 रुपए चुरा कर दुकान ले गया और 100 रुपए फेंक कर दुकान के और दुकान के मालिक के पास जो सिगरेट भी बेच रहा है उसके सामने 100 नोट फेंक दिए। और क्या कहा बच्चे ने? एक 4 मीनार का पैकेट दो। तो वो बेचने वाला क्या करेगा? पूछेगा कहाँ से पैसा लाया? सिगरेट पीकर तेरे फेफड़े खराब हो सकते हैं, जीवन बर्बाद हो सकते हैं। कुछ लेना देना नहीं, उसको दुकान चलाना है, समझ गए? इसलिए देवताओं को वो चीज देनी पड़ेगी क्योंकि वो बढ़िया है। पैसा देखो तमाशा देखो, समझ गए? वो बच्चे को सिगरेट का पैकेट दो क्योंकि उसको दुकान चलाना है, सिगरेट पी का दुकान चलाना। सोचिए उसी जगह उस दुकान में उस बच्चे के पिताजी बैठे और बच्चा घर से पैसे चुरा कर उस पिता के सामने 100 रुपए के नोट लाकर फेंकता कहता है, पिताजी 4 मीनार पैकेट दे दो, सिगरेट का एक पैकेट दे दो। तो पिताजी क्या करेंगे? पहले वो 100 रुपए छीन लेंगे और बाद में सिगरेट नहीं जलाएंगे, उसके कान के नीचे जलाएंगे, है कि नहीं? वो है भगवान कृष्ण। हमें बुरा क्यों लगता है? सिगरेट का पैकेट नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे? कोई पिता जान बुझ कर अपने बच्चे के हाथ में विष का प्याला नहीं देगा, वो छीन लेगा, समझ गए? और इससे हमें बुरा लगता है। हमारे इंद्रिय होती वस्तु भगवान क्यों छुने? दारू की बोतल क्यों छुने? मुर्गी क्यों छुने? अंडा क्यों छुने? प्याज लहसुन क्यों छुने? चाय कपड़ी क्यों छुने? क्योंकि आप में और भगवान में ये बाधा है, घर लौटने के लिए रास्ते में बाधा है, इसलिए पिताजी ये छीन ले रहे, ये समझ नहीं पा रहे हम मूर्ख लोग, समझ गए? उल्टे भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, जो भी मेरे जीवन में अमंगल है, घर लौटने के लिए जो भी बाधा है वो मेरे रास्ते साथ हटा रहे हो, शत शत धन्यवाद भगवान, समझ गए? इसलिए भगवान के पास जाने के लिए डरना नहीं चाहिए। वो परम पिता है, वो आपको दुखी देखना नहीं चाहते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम हमेशा दुखी रहना चाहते हैं, समझ गए?
ये शास्त्र में वर्जित चीजें सेवन करके हम अपना दुख बना रहे, बीमारी बना रहे, समस्या बना रहे, और इसलिए भगवान ही छीनने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? ऐसे छोटा बच्चा होता है, माता पिता बचपन में उसको जबरदस्ती रिक्शा में बिठाते और इतना रो रहा है, हाथ पैर मार रहा है, गले से जोर जोर से रोने की आवाज निकल रहा है, फिर भी माता पिता जबरदस्ती क्या करते, बच्चे को गाड़ी में बिठाकर रिक्शे में स्कूल भेजते। तो बच्चे को लगता है माता पिता ने इतने क्रूर क्यों है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, तो पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या लगेगा, माता पिता ने जबरदस्ती मुझे रिक्शा में नहीं बिठाता तो आज अच्छी नौकरी मिलती नहीं थी, अच्छी छोकरी नहीं मिलती, मैं कैसे सुखी हो सकता। ऐसे भगवान जो भी हमारे हाथ से छीन रहे हैं हमारे भलाई के, समझ गए? इसलिए भगवान के शरण में आने के लिए आज बिल्कुल हमें डरना नहीं। भगवान वही हरण करते हैं जो घर लौटने के लिए आपके रास्ते में बाधा है, जो बीच का प्याला है, गलत चीज आप पी रहे हैं, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं, अपना दिमाग बर्बाद कर रहे हैं, वो चीज छीनने वाले भगवान है। इसलिए भगवान का हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा द्वेष बढ़ानी चाहिए, उल्टा खुले दिल से भगवान का हमें गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुणगान करने के लिए भगवान ने जीवा दिया, ये जीवा की परिपूर्णता क्या है, निरंतर भगवान का गुणगान करे। जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णानि मनोहरानि गोविंद दामोदर माधवी जी। ये दूसरा ईश्वर है भगवान का, सबसे ज्यादा भगवान का यश है वो। अगला क्या है, सबसे धनवान है, कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मा नायक है, लक्ष्मीपति है, इनके वैकुंठ के द्वार पर लक्ष्मी खड़ी है, क्या लेकर, हाथ में झाड़ू लेकर, भगवान को मारने के लिए नहीं। किस भावना से खड़े वैकुंठ के द्वार पर, ऐसे बड़े बड़े कंपनी के गेट पर हाथ में रोजगार कार्ड लेकर खड़ा होता है डेली वर्कर्स, कि भगवान के कृपा से आज कंपनी में अंदर जाने का मौका मिलेगा, आज कुछ काम मिलेगा, आज चुना चलेगा, इस भावना से जैसे वर्कर कामगार कंपनी के गेट पे खड़े होते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लक्ष्मी सहस्त्र सत संग्रम सेवे मानो गोविंद आदि पुरुषम समहो बचाओ। लक्ष्मी सहस्त्र कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके पीछे काम कटोरे लेकर भागे संपत्ति के लिए, वो लक्ष्मी हाथ में झाड़ू लेकर क्या भावना से खड़ी है, आज वैकुंठ पति की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से वैकुंठ में झाड़ू मारने की मुझे सेवा मिलेगी। जबकि अचरज की बात क्या है, वैकुंठ में कचरा नहीं होता, कचरा हमारे मन में होता है, वैकुंठ में कचरा नहीं होता, फिर भी भगवान की कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए, ये सोचकर वैकुंठ के द्वार पे कौन खड़ी है, लक्ष्मी। सोचिए तो भगवान कितने धनवान हो गए, ये लक्ष्मी तरसते है भगवान कृष्ण की सेवा, समझ गए? भगवान को छोड़िए, भगवान के भक्त है बलि महाराज, जिनके प्रति हमारे मन में गलत धारणा है कि भगवान का भक्त बनने से हम फकीर बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, रास्ते पे जाएंगे, ये गलत धारणा कई मूर्ख लोगों ने फैलाई भगवान के बारे में, क्योंकि इन लोगों को कहानी आदि मालूम है। इन लोगों का कहानी कहां तक मालूम है, जब बलि महाराज को भगवान ने बांध कर एक जानवर के समान, जानवर के समान लाया, उनका सब कुछ हरण किया, तो वहां तक लोगों की कहानी मालूम है। उसके बाद उसको भगवान ने सबसे धनवान व्यक्ति बनाया, क्या बनाया, आज भी बलि महाराज जो सबसे बड़ा सुतार लोक है उस पर राज करे, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य उस सुतार लोक में, जो स्वर्ग में ऐश्वर्य नहीं वो सुतार लोक में, समझ गए, उसके राजा बनाए गए कौन, बलि महाराज। तो एक गलत धारणा मन से निकालना है कि भगवान की भक्ति करने से हम भिखारी बने, नहीं, बलि महाराज जब भिखारी बने तो ज्यादा फेमस बने, उनका नाम भागवत में आ, समझ गए? तो सोचिए अगर भिखारी नहीं बनते तो इतने विख्यात क्यों होते, ये भगवान की महानता है।
भगवान ने बलि महाराज को इतना मालामाल कर दिया है, सुदामा को राजा बनाए, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य दिया है। और उस बलि महाराज के दरबार में कौन आ गई? लक्ष्मी भी मांगने गई, क्योंकि भगवान को बलि महाराज ने अपने द्वार पे नौकरी दी, चौकीदार की। किसकी नौकरी है? अरे कौन सा भिखारी है जो भगवान पे नौकरी पे रख सकता है? किस धनवान में ताकत? कितनों भी अर्चापति हो, करोड़पति हो, सारे जगत की अमानत एक व्यक्ति के पास होने के बाद भी वो भगवान को नौकरी पे नहीं रख सकता। लेकिन भक्त बलि महाराज ये जब सुदामा के राजा हो गए तो भगवान ने उनकी नौकरी स्वीकार की चौकीदार की। और भगवान आज भी बलि महाराज के दरबार में द्वार पे क्या बन के खड़े हैं? द्वारपाल के। और जब तक अगला सत्य युग नहीं आएगा तब तक भगवान नौकरी छोड़ नहीं सकते। परमानेंट जॉब देने वाले एक बलि महाराज है जिनको कई लोग कहते हैं भगवान इनको क्या बना दिया? भिखारी बना। इसलिए जिनको भक्ति नहीं करना है, भगवान हरि के चरण में नहीं आना है, वो भाना कह देते हैं। भगवान की भक्ति करने से भगवान भक्त को बकरा बना देते। बलि का बकरा कहावत क्या है? बलि का बकरा। लेकिन एक गलत धारणा है, जैसे दारू पीने वालों को भाना चाहिए ऐसे भक्ति न करने वालों को भाना क्या चाहिए? भगवान भक्त को भिखारी बना नहीं, ये सबूत है। ऐसे जो बोलते हैं उनके मुंह पे तमाशा मारा है शास्त्र में इसके द्वारा, कि जिनके दरबार में लक्ष्मी अपने पति को प्राप्त करने के लिए आई, जिस लक्ष्मी को भी भिक्षा देने वाले बलि महाराज कैसे भिखारी सो है? लक्ष्मी को भिक्षा देने वाला व्यक्ति भिखारी कैसे हो? दूसरा तमाशा क्या है? जो भगवान को अपने दरवाजे पे नौकरी पे रख सकता है वो बलि महाराज भिखारी कैसे हो सकता है? समझ गए? इसलिए भिखारी शब्द की व्याख्या किए शास्त्र में, क्योंकि जिसके पास भगवान का नाम नहीं है वो सबसे भिखारी व्यक्ति है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन, क्या कहा है? कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। जो जीवन में एक भी भगवान का नाम लिए बिना करोड़ों रुपए कमाकर मर जाता है ऐसे व्यक्ति को बोलना पड़ता है निधन हो गया। क्या बोलना पड़ता है? निधन। अभी निधन शब्द का अर्थ क्या है बताइए? निधन का मतलब क्या है? बिना धन के चला गया, भिखारी बन के चला गया, फकीर बन के चला गया, दरिद्र बन के चला गया। और ऐसा व्यक्ति जब स्मशान में जाता है चार लोगों के कंधे पर, उसके पीछे घर वाले मित्र परिवार पड़ोसी भागते होते, क्या चिल्लाते हुए? क्या चिल्लाते? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों चिल्लाते? भिखारी जा रहा है, एक भी भगवान का नाम कमाए नहीं, ये सबसे दरिद्र व्यक्ति जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, उसके झोली में डालो कुछ तो डालो, राम नाम राम नाम। तो सोचिए भगवान का भी कितना धन है। भगवान ने जब तंदूर खाए सुदामा के, पहली मुट्ठी में तीतर का ईश्वर दिया, दूसरी जब मुट्ठी खाई तंदूर की स्वर्ग का ईश्वर दिया, तीसरी मुठ जब खाने लगे तो लक्ष्मी हाथ पकड़ा है, क्या कहकर? अगर तीसरी मुठ खाओगे तुम इतने भोले पिया हो अपने भक्त के लिए वैकुंठ में दान में दोगे और मुझ लक्ष्मी को कटोरी लेकर भीख मांगनी पड़ेगी, इसलिए जुल्म मत करो पिया, तीसरी मुठ मत खाओ। इतनी ताकत है भक्ति में, भगवान उस भक्त को उछ। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए एक गलत धारणा लेकर कि भक्त बनने के बाद हम भिखारी बनेंगे। सबसे धनवान है भक्त, क्योंकि जिसके पास भगवान है उसके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। ये गीता का निष्कर्ष है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धर्म, वहां नीति है, क्या है? धर्म है, लक्ष्मी है, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान सबसे धनवान व्यक्ति है, लक्ष्मीपति है। क्या ताकत है भगवान में? जब सरासन और काल यवन ने दोनों ने मिलकर दोनों साइड से मथुरा पे आक्रमण किया, एक रात को भगवान ने इसका निर्माण किया समंदर में द्वारका पुरी, एक रात में सारे जगत के बिल्डर भी आकर एक रात में एक महल नहीं बना सकते। कितने महल बनाए? सारे मथुरा वासी की छोड़ी है अपनी 16108 रानी के लिए 16108 महल एक रात में बना।
भगवान कृष्ण है। किसमें ताकत? सारे जगत के अमानत लेकर बिल्डर, सारे जगत के साइंस टेक्नोलॉजी लेकर अमेरिका जापान सब एक साथ में आएंगे। एक रात में 16,100 बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्क्रीट बनाने के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं। कितना? 30 दिन। किसी माइकल में ताकत नहीं कि एक रात में 16,100 महल बनाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और क्या ईश्वर भगवान का? भगवान जब पहली बार गायों को लेकर बछड़ों को लेकर गोपाष्टमी के दिन घर से बाहर निकले तो यशोदा मैया ने उनके सामने सोने के जूते रखे। कौन से? चमड़े के नहीं, रबर के नहीं, प्लास्टिक के नहीं, सोने के जूते। लेकिन गोपाल कहने लगे किसी का हालत पहनूंगा नहीं, किसी का हालत में इसको पहनूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हरे बछड़े के चरणों में सोने के जूते नहीं होंगे, उनके सिर में सोने के आभूषण नहीं होंगे, गलों में मोतियों की माला नहीं होंगी और हरे बछड़े के लिए छाता नहीं होगा, तब तक मैं घर से बाहर ये सब देना पड़ा गोपाल को कुछ नहीं। तो सोचिए ब्रज में कितना धन है। ब्रज की एक मिट्टी कल का इसका ब्रज का एक कण सारे ब्रह्मांड की अमानत की, सारे ब्रह्मांड की अमानत उसको खरीद नहीं सकते। इतने भगवान धनवान। इसलिए हमें ऐसे भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ईश्वर किसका है? भगवान कृष्ण का। तो भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है। ज्ञान भगवान ज्ञान के भंडार है। भगवान कहते हैं गीता का निर्माण, भागवतम का निर्माण भगवान के, सारे वेदों का शास्त्रों का निर्माण वेद के रूप में भगवान के। माता बैठे नीचे है बोल, ओ माता जी कथा सुनने के लिए कि घूमने के लिए आप लोग? तो भगवान ने जो शास्त्र निर्माण किए आज तक कभी बता नहीं। आजकल की किताबें 6 महीने में बदलती, बच्चों को परेशानी, पढ़ाने वालों को परेशानी, माता पिता को परेशानी। समझ गए? भगवान ने नहीं कहा कि एक श्लोक मैंने गलत लिखा है माफ कर दो मुझे थोड़ा चेंज करें। 5,000 साल के बाद भी एक भी श्लोक बदला नहीं गया। नटराजन श्लोक भागवत में थे, इतना परिपूर्ण भागवत में गीता है। समझ गए? तो इसको कहते ज्ञान। ज्ञान का मतलब है जो भगवान के करीब ले जाता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है, भगवान का नाम पुकारने में मदद करता है, उसको ज्ञान कहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्योंकि किताबी ज्ञान मृत्यु के समय काम में आएगा। याद रखिए मृत्यु के समय क्या क्या काम आएगा? गीता भगवत का ज्ञान काम आएगा। ज्ञान आजकल बच्चों में असंतुष्टि बढ़ा रहे। कितने असंतुष्टि बढ़ रहे बच्चों में? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सुसाइड करे बच्चे। क्यों? 98% वाले सुसाइड करे। इस ज्ञान का क्या मतलब है? जो किताबी ज्ञान आजकल पढ़ रहे हैं 98% ज्ञान मार्क्स मिलने वाले बच्चे आजकल सुसाइड क्यों करे? असंतुष्ट। क्यों? मेरे मित्र को 98 जो मिला उसका समाधान भी बच्चों में। तो आजकल का किताबी ज्ञान बच्चों में असंतुष्ट बना रहा है। इसलिए लाखों करोड़ों का पैकेज है लेकिन बच्चे संतुष्ट नहीं। समझ गए? इसलिए उनका जीवन नरक में बनता जा रहा है। लेकिन गीता भागवत का ज्ञान संतुष्टि देता है, आत्मा की संतुष्टि। और हमारे जीवन का उद्देश्य है ज्ञान को क्यों प्राप्त करना है? आनंद की वृत्ति हो। ये भौतिक किताबी ज्ञान दिन ब दिन बच्चों को दुखी करता जा रहा है। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना बड़ा पैकेज होने के बाद बच्चे दुखी होते जा रहे, असंतुष्ट होते जा रहे। तो इसे ज्ञान का मतलब क्या है? इससे परिपूर्ण ज्ञान क्या है? राज विद्या राज गुह्यम परित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमन सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अभी देखते हैं भगवान ने लीला कौन सी क्रिया की है? जन्म लेने की लीला है। ये कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें।
माता जी बैठ जाइए अभी। माता जी आपको सुनना है या घर जाना है? बैठ जाइए शांति से बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो भगवान कौन है? अजन्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते, ये फर्क है। अवतार शब्द कहां से आते हैं? अवतरण। अवतरण का मतलब क्या है? जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उल्टे नीचे उतरने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? अवतरण। और अवतरण शब्द से अवतार शब्द आते हैं। तो भगवान आध्यात्मिक जगत से अपनी इच्छा से, जैसे व्यक्ति सीढ़ियां उतरता है अपनी इच्छा से, वैसे भगवान अपनी इच्छा से उतर कर आते हैं। हमारा जन्म कैसे है? विदाउट पैराशूट आपको हवाई जहाज से ढकेल दिया, तो जहां गिरे वहां गिरे, समझ गए? कोई चॉइस नहीं। हमारा जन्म कैसे है? जैसे 100 माले की सीढ़ी से आपको ढकेल दिया, 100 माले की सीढ़ी से ढकेल दिया, तो आप तय नहीं कर सकते कि 40वें सीढ़ी पे बैठूंगा, फिर से वापिस जमा नहीं, चेंज होता, किसी बात का चेंज होता। कौन माता पिता होंगे, कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा, कौन सी तिथि होगी, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा साल होगा, कौन सा देश होगा, कौन सा गांव होगा, कौन सी गली होगी, कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल, कोई चयन नहीं होने, समझ गए? हमें जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है कर्म के कारण, क्योंकि भगवान को कर्म नहीं होता, जीवात्मा को कर्म होता। क्योंकि कर्म की व्याख्या शास्त्र में की है। कर्म का मतलब क्या है? जीवात्मा में जो अपूर्णता है उसको पूरी करने के लिए, उसको ढकने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। जीवात्मा में 4 खुलिया होती है, अपूर्ण इंद्रिया, उसके कारण भ्रमित रहते हैं, भ्रमित रहने के कारण हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, गलतियों को छुपाने के लिए हम दूसरों को, ये 4 गलतियों को सुधारने का प्रयास जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, समझ गए? ये इसको ढकने का प्रयास कहते हैं। अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। कर्म की बात कहते हैं जीवात्मा में देवताओं में जो अपूर्णता है, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित रहना और गलती करना और गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगना, ये 4 कमियां देवता में है और जीव में। इसलिए देवताओं को और जीव को कर्म होता है, भगवान को कर्म नहीं होता। याद रखिए, कर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान में 4 दोष नहीं। भगवान अदोषदर्शी है। क्या है? भगवान अदोषदर्शी है, ये 4 दोषों से परे है भगवान, इसलिए इनको कर्म नहीं, इसलिए इनको जन्म लेना नहीं। जिनको कर्म है उनको जन्म लेना होता है, कर्मणा देव नेत्रेण, समझ गए? तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते, अपनी स्वेच्छा से आते, तो इसको कहते अवतरण, समझ गए? भगवान कौन है? अभिज्ञ स्वराट है, स्वेच्छा से आते। हमारे जन्म कैसे? विदाउट पैराशूट आपको हवाई जहाज से ढकेल दिया, आपको चैन नहीं, घर पे गिरेंगे, पेड़ पे गिरेंगे, मिट्टी में गिरेंगे, किचन में गिरेंगे या पानी में गिरेंगे, जहां गिरे वहां गिरे, इसलिए हम गिरे हुए हैं, समझ गए? भगवान जब जन्म लेते हो दिव्य होता है, जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म दिव्य है, समझ गए? देखते क्यों? क्योंकि भगवान जब आते हैं देवकी के माध्यम से तो कितने हाथ थे बताइए, कितने हाथ देकर आए? एक बच्चा आता है 4 हाथ देकर, ये नॉर्मल थ्योरी, एबनॉर्मल थ्योरी, इसलिए डॉक्टरों उसके 2 हाथ काम देते हैं, नॉर्मल बना देते। तो भगवान जब आते हैं 4 हाथ देते, और देवकी माता कहती है 4 हाथ देकर कंस मामा समझ जाएंगे ये विष्णु अवतार लिए है, इसलिए आपको मारने का प्रयास कीजिए, मेरी आपके चरणों में विनती है नॉर्मल बच्चा बन जाइए। तुरंत भगवान ने नॉर्मल 2 हाथ के बच्चे के समान रूप दिया, ये भगवान है। कोई बच्चा कर सकता है माँ के कहने पर 2 हाथ गायब कर सकता है बिना ऑपरेशन के? इसको कहते हैं भगवान, समझ गए?
के चार हाथ लेकर, लेकिन माता ने भयभीत होकर भाई का भाई था कंस का, वो जरूर समझेगा ये बच्चा चार हाथ लेकर है, इसका मतलब है ये विष्णु का अवतार है, आपको मारने का प्रयास कीजिए, इसलिए आपको बचाने के लिए प्रार्थना करी हूँ, आप नॉर्मल बच्चा बन जाइए, विदाउट ऑपरेशन भगवान ने दो हाथ गायब कर दिए, इसको कहते भगवान, समझ गए? हम आते हैं तो कितने हाथ लेकर आते हैं? दो हाथ, समझ गए? इसलिए हम भगवान नहीं है। अगला फर्क है, भगवान जब आते हैं तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, हम आते हैं तो पगले होते हैं, गंजे होते हैं, समझ गए? इसलिए भगवान का नाम है केशव, केशव का मतलब है जो जन्म से केश लेकर अवतार लेते, उसको कहते केशव, केश धारण करने वाले, समझ गए? हमें गंजा भारना पड़ता है, तकला भारना पड़ता है, समझ गए? और भगवान जब आते हैं तो उनके शरीर में गंदगी नहीं होती, उल्टा उनके शरीर पर मखमली कपड़े होते, सुंदर कपड़े होते, रेशमी के, मखमली के, गलों में मोतियों की माला होती, कान में कर्णफूल होते, माथे पे क्या होता है? मुकुट होता है। आया कोई बच्चा से बाहर माँ के घर से कपड़े पहनकर, इसके बाल है, इसके सिर पर मुकुट है, इसके गले में मोतियों की माला है, कर्ण में कुंडल, कान में कुंडल है, इसलिए जीवात्मा कभी भगवान नहीं बनता है, इससे भगवान के लक्ष्य में, समझ गए? कृष्ण का जन्म होता है तो ये मंगल में होता है, हमारे मंगल नहीं है, हमारे जीवन की शुरुआत खुद से होते हैं, तो हम रोते हुए आते हैं, भगवान आते हैं तो हंसते हुए आते हैं, सबको हंसाने के लिए आते हैं, सबको आनंद देने के लिए आते हैं, इसलिए हम बड़े जोर से उनका स्वागत करते हैं, नंद की आनंद भयो जय नंद की आनंद भयो, इतना आनंद होता है कि कोई दुखी नहीं होता आज के दिन, हर कोई नाचता है, गाता है, पटाखे फोड़ता है, दिल खुश होकर भगवान के नृत्य में सम्मिलित है, लेकिन हम आते हैं माता पिता के चेहरे पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिखा, लेकिन 9 महीने 9 दिन हम तकलीफ में होते हैं माता के, इस 9 महीने 9 दिन को क्या कहते हैं कृष्ण भगवान में, क्या कहते हैं? डेली मरी, क्या कहते हैं? डेली मरी का मतलब है रोज की चिंता दिखाते हैं, बच्चा गोरा बनेगा या काला बनेगा, लड़का होगा या लड़की होगी, इसका एडमिशन अभी करवाना है कि बाद में देना, ये हर रोज की चिंता देकर माता को हम जन्म देते हैं, तो खुद दुखी होकर आते हैं, रोते हुए आते हैं, क्योंकि बच्चा रोता नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी, माँ की तरफ से हम जब बाहर निकलते हैं तो रोना पड़ता है कंपल्सरी, क्योंकि इतना दुख होता है, वो दुख हम प्रकट करते हैं माँ के गर्भ से निकलते समय, और बच्चा रोता नहीं तो डॉक्टर थप्पड़ मारकर बोलाते और उसका स्वागत करते वेलकम टू दिस भगवान, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान आते हैं तो खुशियां देने के लिए, माता पिता को, सारे धरती को, सारे जीवों को खुशी प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए इतने धूमधाम से हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, समझ गए? तो भगवान जब माता के गर्भ से आते हैं तो माता को बहुत तकलीफ होती है, मालूम है कितना तकलीफ होता है औरत को बच्चा जन्म देने से, कई माताएं निर्णय लेती है इसके बाद बच्चा पैदा नहीं होता, इतनी तकलीफ होती है क्योंकि इतनी छोटी सी जगह से इतना बड़ा बच्चा बाहर निकलता है, तो उस समय या तो बच्चा मर सकता है या माँ मर सकता है, इसलिए मराठी में ये बच्चे को जन्म देने का जो समय होता है उसको कहते हैं बाल अंत पथ, क्या बोला है? बाल अंत पथ, यानी या तो बाल का अंत होगा या माँ का अंत होगा, कितनी वेदना होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं, क्या कहते हैं? लेबर पेन, अगर इसमें आनंद होगा तो उसको लेबर प्लेजर कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? लेबर प्लेजर कहना चाहिए, क्या कहते हैं हम? लेबर पेन, उसमें माँ मर सकती है या बच्चा मर सकता है, इतना दुख होता है, इतनी वेदना होती है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो प्रसूति वेदना होती है, समझ गए? तो यह फर्क है, तो अभी हमने देखा भगवान का जन्म कैसे दिवे, अरे भगवान का कर्म कैसे दिवे, एक तो भगवान को कर्म होता नहीं, लेकिन जब आते हैं तो इस प्रकार की लीला करते हैं, इस प्रकार का वो कार्य करते हैं कि
सारे जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। एक साधारण कार्य भगवान की हाथ की स्थिति है। इसको क्या कहा शास्त्र में? भगवान की हाथ की स्थिति। भगवान सिर्फ अपने हाथों की स्थिति बदलकर कैसे भारत के सभी राज्यों के लोगों को आदर्श बने हम देखने लगे। क्या करते हैं भगवान? कौन सा कार्य करते हैं? सिर्फ अपने हाथों की स्थिति बदलते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान के हाथ कहां पर है बताइए? उत्तर प्रदेश में ब्रज में वृंदावन में भगवान के हाथ कहां पर है? कहां पर है? बांसुरी। तो पूरे उत्तर प्रदेश को, सारे भारत को, सारे जगत को खींचते हुए कार्तिक में सारे जगत के लोग आते इसका दर्शन करने के लिए। बोलो बोल मुकुट बंसी वाले की। वंशीधर भगवान को देखने के लिए आते हैं, मुरलीधर भगवान को देखने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी योगी आदित्यनाथ भी आते हैं उनको मिलने के लिए। समझ गए क्यों? क्योंकि उनके हाथ दो हाथ किसके हैं? बांसुरी। तो सारे ब्रज को खींचते हैं, उत्तर प्रदेश को, सारे भारत को। समझ गए? इतनी ताकत है। अभी यही हाथ अगले राज्य में भगवान जब जाते उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में भगवान वही कृष्ण जब जाते हैं सिर्फ अपने हाथों की स्थिति बदलते हैं। राजस्थान में कौन है? नाथद्वारा में कौन है? बोलो श्रीनाथ जी की। तो अभी श्रीनाथ जी के हाथों की स्थिति क्या है बताइए? एक हाथ में गोवर्धन है, बोलो कि गोवर्धन हरि की, और दूसरे हाथ में वेद है। समझ गए? तो ये दो हाथों की स्थिति बदली है। जो बांसुरी पे थे राजस्थान में, एक हाथ में गोवर्धन पर होते दूसरे हाथ में वेद, और ये दो हाथों की स्थिति बदलकर सारे राजस्थान को पालन कर देते। इतनी ताकत है भगवान के ये साधारण कार्य में हाथों की स्थिति बदलकर सारे राजस्थान को पालन कर देते। श्रीनाथ जी के अभी राजस्थान से महाराष्ट्र में आते हैं। राजस्थान के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वही भगवान कृष्ण आते हैं, उनके दो हाथ कहां पर है बताइए? कहां पर है? कमर पर है। अपने भक्त की राह देखते हो कमर पे हाथ रखकर खड़े है, इस पे खड़े, ईंट पे खड़े, इसलिए उस भगवान का नाम क्या है? विठ्ठल। जो ईंट पे भगवान खड़े है अपने भक्त की राह देखते हुए, उस भगवान का नाम क्या बोला? जो ईंट पे खड़ा है वो विठ्ठल हो गया। समझ गए? तो अभी हाथों की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में बांसुरी पीत है, राजस्थान में एक हाथ में गोवर्धन है, दूसरे हाथ में वेद है, अभी महाराष्ट्र में आए वही दो हाथ कमर पे है, पूरे महाराष्ट्र को पालन कर रहे थे। पूरे महाराष्ट्र के लोग दो महीने पहले बिना चप्पल के बरसात में धूप में माथे पे तुलसी माता को लेकर घर से निकलते हैं, एक दो हाथ पे खड़ा है, भक्तों की राह देख रहा है, पूरे साल उसका दर्शन करेंगे। बोलो विठ्ठल देव की। भगवान कृष्ण की महानता है, वो कार्य भी करते हैं साधारण कार्य, हाथ की स्थिति बदलकर जहां जहां भी जिस जिस प्रदेश में जाते हैं, किस किस राज्य में जाते हैं, वहां के लोगों को पागल करते हैं। महाराष्ट्र में पागल करने वाले कौन है? विठ्ठल देव। सिर्फ हाथ दो कमर पे, अरे महाराष्ट्र से कर्नाटक में उतर जाते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा प्रांत है? कर्नाटक में वही भगवान कृष्ण हाथ में मथनी पकड़े हैं और दूसरे हाथ में मक्खन का घोड़ा, पूरे कर्नाटक को पागल कर देते हैं। कौन है वो? बोलो उड़ती कृष्ण भगवान की। ये भगवान की महानता है। जन्म तो दिव्य है लेकिन साधारण कार्य है, सिर्फ हाथ की स्थिति बदलकर। हम मूर्ख लोग दो हाथ की स्थिति बदलकर क्या कर सकते? ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक को रोक सकते हैं, किसको थप्पड़ मार सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भगवान जब हाथ की स्थिति बदलते पूरे प्रदेश को, पूरे राज्य को, पूरे देश को पागल करके अपनी ओर खींचते, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षित ही कृष्ण। सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर सारे जीवों को खींचने वाले एकमात्र भगवान है। बोलो कृष्ण भगवान की। अभी कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश विख्यात है किस क्षेत्र के नाम से? इस क्षेत्र के नाम से, नरसिंह क्षेत्र। वह नरसिंह भगवान की। तो भगवान कृष्ण इस नरसिंह
किसके पेट पर है? हिरण्य कष्ट के पेट पर। कम कर कमल भरे मखान अद्भुत श्रृंगार भौम वृंदावन। क्यों? इस भूमि पे आए तो दो प्रकार के वृंदावन थे।
आध्यात्मिक जगत पर जो वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, और इस धरती पे भूमि पे जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं। तो वहां की है कहानी, समझ गए, भौम वृंदावन। ब्रज के पास ये मथुरा मंडल है, तो वहां भगवान ने ये अवतार लिया है, किसके रूप में, कृष्ण के रूप में। कितने युगों के बाद, संभवामी युगे, ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन कितना है, चार युग मिलकर एक दिव्य युग बनता है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चार मिलकर एक दिव्य युग बनता है। ऐसे हजार दिव्य युग ब्रह्मा का दिन और हजार दिव्य युग ब्रह्मा की रात, तो टोटल कितने हो गए, 2000 युग दिव्य युग। उसमें एक युग में भगवान आते हैं, यानी 1999 युगों में हमें भगवान की राह देखनी पड़ती है, इसलिए इतना दुर्लभ है इनका जन्म दिया, जन्माष्टमी दुर्लभ, समझ गए। इसे भी ध्यान को सुना है, क्यों भगवान इस ब्रह्मा के एक दिन में अवतरित हुए। तो कहानी है द्वापर त्रेता युग की, कहा है भगवान, कौन से युग में, त्रेता युग में है ना। तो त्रेता युग में जो असुर थे राजाओं की भेष में सारे प्रजा का शोषण कर रहे थे, अरे धरती माता देख रही भाई, अपने बच्चों का शोषण बाकी बच्चे करें, शक्तिशाली बनकर, भले असुर है लेकिन राजाओं के भेष में ये सारे प्रजा का शोषण कर रहे। तो माता, धरती माता बहुत दुखी थी बच्चों पे जुल्म देकर, इसलिए उसने गैया का रूप लिया। किसका रूप लिया, अभी माता ने, धरती माता ने गैया का ही रूप क्यों लिया, क्योंकि भगवान को गैया उपजी है, अगर गैया के रूप में जाओगे तो भगवान शायद जल्दी मेरी याचना सुनेंगे, मेरा दुख वो समझ पाएंगे, इसलिए धरती माता ने क्या रूप लिया है, गैया का रूप। तो पहले वो देवताओं के पास है, 33 कोटि देवता, वो देवता कह लिया हम भी भगवान कृष्ण को दे बने, ये संकट में हम आपको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पर संकट आती है तो हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो हम सब मिलकर पहले शिव जी के पास जाएंगे। सब मिलकर शिव जी के पास आए, माता ने जगह मिली वहां बैठे, कृपा करके अभी एक 10 मिनट का पहुंच गए, बाकी को डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां जगह मिली बैठे। तो धरती माता ने पहले याचना की है देवताओं से, हमें मदद कीजिए, लेकिन देवता कहेंगे हम भी दुखी है इन आंसुओं से, हम भी चाहते हैं कि भगवान अवतार ले, इसलिए हम आगे आपको करके हम शिव जी के पास जाएंगे, शायद शिव जी उसमें उपाय बताएंगे। शिव जी के लिए मैं भी इसको समाधान नहीं कर सकता, हम विधाता के पास जाएंगे, सारे देवता शिव जी गैया जो भाई धरती थी गैया का रूप देखा थी वो सब मिलकर ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने फिर सबको लेकर चले गए, कहां गए, चिरोदक सागर के किनारे। वो चाहे तो अपने धाम में बैठकर ब्रह्मलोक में सुखलोक में वो भगवान को प्रार्थना कर सकते, ऐसे लोग कहते हैं मंदिर में जाकर ध्यान करने की जरूरत क्या है। तो ब्रह्मा जी बता रहे, विधाता बता रहे, मैं विधाता हूं, अगर चाहे तो ब्रह्मलोक में बैठकर मैं भगवान पे ध्यान कर सकता हूँ, भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को अगर प्रार्थना करे तो व्यक्तिगत हमें उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति हमें ज्यादा महत्व दे और हमारी कहना गंभीर कर सके। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में बैठकर अपने धाम में बैठकर भगवान पे ध्यान नहीं किए, ये मूर्खता है कलयुग में। लोग कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत क्या है, घर में बैठ के क्यों नहीं करते। ब्रह्मा इसका मुंह तोड़ जवाब दे, वो चाहे तो ब्रह्म लोक में अपने घर में बैठकर भगवान पे ध्यान कर सके। लेकिन विधाता बता रहे कोई इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो हमारे समस्या को हल करना है, उसको घर से फोन करेंगे तो ज्यादा गंभीरता से मिलेगा, उसके घर जाएंगे उसको विनती करेंगे तो शायद वो ये लोग मेरे घर आए हैं, मुझे इतना मान सम्मान दे रहे, ये समझकर वो आपकी याचना को गंभीरता से ले सकते। इसलिए शिवजी ने ये सबक सिखाया किन लोगों को, जो कहते हैं कि कलयुग में मंदिर जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भक्त एक साथ में आएंगे वो भक्तों की याचना
प्रार्थना सुनकर भगवान मजबूर होते हैं प्रकट होने के लिए। ये भगवान का वादा है नारदीय पुराण में, क्या बताया है? दो भक्त भी साथ में आकर मुझे दिल से प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रकट होता ना हम कृष्णा भी मैं कुंडे ना हम योगी नाम देशवा यत्र गायन की मत भक्ता तब तुम कृष्णा के नाम। समझ गए? और यहाँ तो गो माता ही है, धरती माता गोई को प्रिय है, 33 कोटि देवता भगवान को प्रिय है, शिव जी प्रिय है, ब्रह्मा जी प्रिय है, भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? सिर्फ हमें प्रोसेस से जाना है, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। घर में बैठकर भगवान को बुला नहीं सकते, समझ गए? जहाँ भक्त एक साथ आते हैं, जहाँ आध्यात्मिक वातावरण होता है, जब एक दिल से एक भावना से पुकारते हैं तो भगवान को हम मजबूर कर सकते हैं। इसे पीपल का निर्माण क्यों किया है, सत्संग का निर्माण क्यों होता है? एक भावना के एक विचार के लोग एक साथ आकर भगवान को दिल से पुकार पाए ताकि उस सभा में भगवान प्रकट हो। इसलिए हमें सत्संग में जाना है, मंदिर में जाना है, अकेले भगवान को पुकारेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। जितने भक्त एक साथ होंगे उतने जल्दी भगवान प्रकट होंगे। और यहाँ तो 33 कोटि देवता है, साक्षात गो माता है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, ये जब प्रार्थना किए तो भगवान ने उनकी याचना सुनी और क्या वचन दिया? मैं जरूर प्रकट हूंगा, लेकिन सबको सेवा करनी होगी क्योंकि सेवा के माध्यम से मैं प्रकट होता हूं। इसलिए जितने भी देवता है सबको सेवा में लगाओ, सारे देवताओं को ऋषि और यदु परिवार में माताएं हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु। तो सबको सेवा में लगे, सब देवताओं को भगवान अवतार लेने से पहले गुरु वर्ग के रूप में आना पड़ेगा। जैसे नाटक की कंपनी होती, नाटक की कंपनी डायरेक्ट स्टेज पर नहीं आती, पहले स्टेज बनाने लगा था। जैसे इस हॉल में भी 2 दिन पहले स्टेज बना, समझ गए? तो स्टेज बनाने वाली एडवांस पार्टी होती, वो आकर स्टेज बनाते, वो अपना काम करके चले थे, उसको कहते गुरु वर्ग। जो स्टेज बनाते भगवान की लीला का, जन्म लीला का स्टेज बनाने के लिए गुरु वर्ग माता पिता के रूप में आते, वो देवता के रूप में आते, समझ गए? इस प्रकार भगवान ने सबको अवसर दिया, अलग अलग ऋषि परिवार में, यदु परिवार में माता पिता बनने का अवसर। जो भी भगवान के सखा होंगे, भगवान के रिश्तेदार होंगे, उनके बच्चों के माता पिता बनने का अवसर देवताओं को दिया गया, वो सारे ऋषि परिवार में आ गए, यदु परिवार में। अभी स्टेज बनाने के बाद कलाकार स्टेज पर आते, कलाकार बोले भगवान आएंगे अभी, समझ गए? और नाटक पूरा होने के बाद वो स्टेज को माइंड अप करने के लिए क्या होती है, माइंड अप पार्टी। ऐसे भगवान 3 स्टेज में आते, पहले एडवांस पार्टी आएगी, गुरुवार आएंगे, खुद भगवान आएंगे, और उसके बाद भगवान माइंडिंग होकर लोगों को बनाएंगे। इस प्रकार भगवान ने अभी रंगमंच तैयार किए अवतार के लिए, सारे देवताओं को माता पिता के रूप में ऋषि परिवार में भेज दिए, समझ गए? सेवा में लगाए क्योंकि सेवा के माध्यम से भगवान प्रकट हो। इस प्रकार भगवान जब तैयार हो गए अवतार लेने के लिए तो हम देखते हैं कि भगवान ने पहले किनको सेवा में लगाए, देवी देवताओं को। तो भगवान ने याचना सुन ली है अभी सारी देवताओं की, सारे देवता भी प्रकट हो चुके हैं ऋषि परिवार में, यदु परिवार में। तो भगवान के माता पिता कौन बन रहे हैं, वसुदेव और देवकी, समझ गए? तो वास्तविक देवकी माता जो राजा थे देव का, उसकी पुत्री श्रीराम देवी थी, लेकिन उनके मित्र थे उग्र से जो ऋषि परिवार से थे, समझ गए? उनको क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मित्र से उनकी पुत्र पुत्री को गोद ले ली। इसलिए देवकी माता भले किसकी पुत्री है, देवक की पुत्र है, लेकिन उग्र सिंह ने गोद भी लिया है, इसलिए किसकी पुत्री कहलाते हैं, समझ गए? और उग्र सिंह का पुत्र था आगे जाकर कौन बना, कंस। तो कंस की सगी बहन नहीं है देवकी माता, फिर भी कंस का सबसे ज्यादा प्रेम देवकी से। तो शादी में हम देखते हैं
इतना प्रेम था कंस मामा का बहन के प्रति, उसने खुद अपने बहन का हाथ इसके हाथ में दिया, वसुदेव जी का हाथ क्या कहा, मेरे दिल का कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे, मेरे दिल का थोड़ा आपके हाथ में दे, इसको संभाल के रखे, इतना प्रेम था कंस का बहन के। और जब सारथी व्रत तैयार था ससुर वाले जाने के बहन के लिए, तो सारथी को नीचे उतार कर खुद स्वागत करने के बैठे, और इतना बड़ा जुलूस जा रहा है शादी का, क्या कहते हैं शादी का जुलूस कहते क्या कहते हैं हाँ शादी के बारा, क्योंकि बड़े बड़े राजा होते हैं अपना ऐश्वर्य प्रजा को दिखाने के लिए, अपनी भव्य दिव्यता दिखाने के लिए एक शादी के बारा इतने जोर शोर से करते हैं कि प्रजा याद रखे, उनका ऐश्वर्य याद रखे, उनका गुणगान करे, इसका पूरा धन संपत्ति इस शादी के बारात में लगाई गई, इतनी सज धज का इतने बड़े मात्रा में ढोल नगारे काशे बज रहे, बड़े लोग आनंद से नाच रहे हैं। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ, क्यों, क्योंकि देवताओं लोग परेशान थे, वो सोचने गए मामा कंस इसी प्रकार बहन से प्रेम करता रहेगा तो भांजे को जन्म लेने की नौबत देगा, और जन्म भी देगा भांजा तो किसके आधार पर मामा को मारेगा, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं कि भांजे ने मामा को खत्म किया, तो उसकी जगह कुछ तो एक घटना निर्माण करते हुए, ऐसी अद्भुत घटना, ऐसी दिव्य घटना जिसके कारण इस बहन और भाई के प्रेम में बाधा है, और तब जाकर इस बदले की भावना से भगवान क्या करेंगे, मामा कंस को मारेंगे। इसलिए देवताओं ने जानबूझ कर क्या किया, इस शादी के बाद में अचानक दिव्य ध्वनि होगी, आकाशवाणी होगी, क्या आकाशवाणी थी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम सारथ्य करे हो उसका आठवां पुत्र ही आपका काल होगा, बस इतना काफी था, इतना प्रेम से भगवान बहन की विदाई कर रहा था, खुद सारथ्य कर रहा, इसके हाथ में घोड़ों के लगाम है, वो घोड़ों के लगाम छोड़ दिए और बहन के केस पर गए और अपनी खड़ाग निकाली, तलवार निकाली, इतना प्रेम करने वाला भाई बहन के गले पे तलवार रखकर अभी बहन को खत्म करने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि जिस बहन से आठवां पुत्र होने वाला है उस बहन को ही खत्म करूंगा तो आठवां पुत्र जन्म लेगा ही नहीं, ना रहेगी वास, इस भावना से भले इतना प्रेम करता था लेकिन बहन को भी खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन वसुदेव जी इसके बाप भाई शब्द में भगवान कृष्ण के बहुत बुद्धिमान है, निष्ठावान है, बहुत ही संयमशील है, बहुत ही ज्ञान वाले और बहुत ही है वचन के पूरे, ऐसे वसुदेव ने क्या किया है, बहुत ही बुद्धिमत्ता से कंस को अंत में क्या किया है, समझाया कि शादी के दिन बहन को मारोगे तो तेरी ख्याति जो है तुझी कीर्ति है मिट्टी में मिल जाएगी, लोग तुझ पे थूकेंगे, और पहले से कंस का प्रॉब्लम क्या था, उसने बाप को भी कैद में डाला था, तो पहले से प्रजा दुखी थी, पूर्व से कितने प्रिय थे प्रजा को, उनको कैद में डालने से पूरी प्रजा भी दुखी थी, उसने बहन को मारेगा तो पूरी प्रजा बगावत कर देगी और कंस को खत्म भी कर सकेगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अपनी जाति बचाने के लिए वो वसुदेव जी के कहने पर तैयार हो, क्योंकि वसुदेव जी पे पूरा विश्वास था कि वो वचन के पक्के, क्या वचन दिया है वसुदेव जी ने कंस को, हरेक बच्चे को भले आठवें पुत्र से आपको धोखा है, मृत्यु की भीति है, भय है, लेकिन मैं वचन देता हूं जो वचन का पक्का हूं वसुदेव, हर एक पुत्र को जन्म लेते ही दूध पिलाने से पहले आपका हाथ में सपूत होगा, ये वचन सुनकर थोड़ा कंस शांत हो गया, और उन्होंने क्या किया, दोनों बहन को और इसको क्या कहते बहन के पति को, बहनों को जेल में डाला, जबकि भाई को बहने को बहन को हनीमून भेजना होता है, इस भाई ने जेल में भेजा, यहां से दुख हुआ, भगवान जन्म लेने से पहले माता पिता को इतना दुख मिला है, इतना कष्ट मिला, और एक के बाद एक छह पुत्रों को अपने आंखों
वो गर्भपात नहीं था, साक्षात्कार था, भगवान ने योग माया का अवमान किया। तो भगवान कृष्ण भगवान क्यों है, स्वयं भगवान क्यों है, अवतार क्यों है? एकमात्र भगवान कृष्ण है जो योग माया को सेवा में लगा सकते आज्ञा दे सकते। बाकी नारायण विष्णु अवतार योग माया को सेवा में लगा सकते, समझ गए? ये स्वयं भगवान का लक्षण है। योग माया को बुला कर कहा कि अभी ये माँ का गर्भ साफ हो गया है, छह बच्चे थे, मरीच के पुत्र थे, मानसिक पुत्र थे, ये किसके प्रतीक थे? काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य। ये मरने के बाद गर्भ में जो गंदगी थी ये साफ हो गई है। ये साफ करने के लिए मैंने मेरे सेवक भगवान को बताया है, बलदेव जी को, उन्होंने साफ किया है, उनका गर्भ साफ करने का काम हो चुका है और इसको कंस मार सकता है और मेरे पहले बिस्तर का होता तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए मेरी आज्ञा है इस महीने मेरे पहले बिस्तर को अवतार को बलदेव जी को दाऊ जी को आप देवकी माता के गर्भ से कहा स्थानांतरित करो, रोहिणी माता के गर्भ, क्योंकि वसुदेव जी की और एक पत्नी थी जो नंद बाबा के पास थी, वो भी गर्भवती थी, तो उनके गर्भ में वो सातवें पुत्र को स्थानांतरित किया है, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। क्यों? क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ की ओर आकर्षित पुत्र करते हैं, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। वो है बलराम जी, बोलो बलराम जी की जय, राम जी महाराज की जय। अभी एक बच्चा जैसे ही देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया तो तुरंत भगवान उस गर्भ में प्रवेश किए। कैसे प्रवेश किए? डायरेक्ट माँ के गर्भ में नहीं गए, हम जैसे पिता माँ के गर्भ में जाते हैं, पिता के वीर के माध्यम से हम माँ के गर्भ में जाते हैं, लेकिन भगवान को ये विधि फॉलो नहीं करनी पड़ती। भगवान पहले शुद्ध भक्त के मन में उतरते हैं, जिनका मन इतना शुद्ध है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसे विशुद्ध मन है वसुदेव जी का, इस विशुद्ध मन में भगवान पहले उतर गए, क्योंकि पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में उतर रहे हैं, इसलिए पहले पिता वसुदेव जी के शुद्ध विशुद्ध मन में भगवान उतर गए अपने धाम के साथ। तब वसुदेव का चेहरा एकदम तेज मुख होने लगा, वो चमकने लगे, क्योंकि भगवान उनके हृदय में उतर गए, उनके मन में उतर गए। उसके बाद वसुदेव जी के मन से वो देवकी के मन में उतर गए और उसके बाद देवकी के घर में, और देवकी के घर में जब उतर गए तो पूरा जो कारागृह था वो दैवित मान होगा और सारे देवता आकर 33 कोटि देवता भगवान की स्तुति गान करने लगे। और इससे जो कंस के सिपाही थे उनको पता चला कि ये गर्भवती पहले भी थी लेकिन इतना उसके चेहरे पर तेज नहीं था, अद्भुत चमत्कार होने लगे इसको उसके कारागर में, देवताओं को पकड़ कर होने लगा, देवता लोग स्तुति गान करने लगे, कंस के कारागर में स्तुति गान हो रहा है, प्रार्थना हो रही है और बड़े बड़े श्लोक बोले जा रहे हैं। जाकर कंस को जब बताया कि आपकी बहन अभी जन्म गर्भवती है उसके गर्भ से तेज बाहर निकल आए, उन्हें जितने पहले दुखी थी, छह बच्चे मरने के बाद सातवां गर्भपात होने के बाद ये जितनी दुखी थी उसके कई गुना अभी स्तुति हो रही, उसके चेहरे पे अजब अलग सा तेज है, उसके चेहरे पे अलग से स्मित हास्य है। ये सुनकर कंस को पता चला कि मैं जिसकी पूरी जन्म रहा देख रहा हूं ये आठवां पुत्र जरूर देवकी के घर में प्रवेश कर चुका है। इसको वो मिलने के लिए आया तो देखा तो उसको पूरा विश्वास हुआ ये आठवां पुत्र होना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को मैंने मारा गर्भ को देखकर लेकिन इतना तेज नहीं देवकी का देखा है। इसलिए उन्होंने अपना सेना जो थी अपने सिपाही और ज्यादा मात्रा में और 24 घंटा नजर रखने के बोले, और उसके बाद कंस का जीना हराम हो गया, खाते पीते उठते बैठते सोते हर समय जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका चिंतन किया। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त लोग ध्यान नहीं करते उससे ज्यादा ध्यान कौन कर रहा है? कंस। इसका यह मतलब नहीं कि कंस बड़ा भक्त हो गया, महान भक्त हो गया, वो मनन चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है भगवान को मानने के लिए। फर्क है, भक्त लोग ध्यान करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन कंस ध्यान कर रहा था भगवान को मानने के लिए, समझ गए? तो ये फर्क है।
अंत में वो रात आ गई जिस रात को भगवान प्रकट होने वाले थे। सारी धरती सज गई, नक्षत्र बदल गए, सारे योग बदल गए। नक्षत्रों का रोहिणी नक्षत्र, अभी रोहिणी नक्षत्र में क्यों है? क्योंकि रोहिणी माता को ये ऐसा दिलाने के लिए, भले मैं आपके कोख से जन्म नहीं लिया हूं लेकिन आपका रिश्ता मुझसे है, ये बताने के लिए भगवान कृष्ण जान बुझ कर कौन से नक्षत्र में कहते रोहिणी माता को एक आनंद देने के, समझ गए? तो सारी धरती अभी हरा भरा हो गई, एक प्रकार का एक साड़ी पहनकर हरा भरा सज गए, क्योंकि स्वामी आ रहे। सारे नक्षत्र बढ़ गए, सारी धरती नाचने लगी, हवा बहुत सुंदर मधुर चलने लगी, पक्षी गाने लगे, सारे धरती में एक खुशी का वातावरण निर्माण हुआ। इस प्रकार भगवान जब आते सारी धरती सजते, सारे देवता तैयार होते, सारे जीव उनका स्वागत करने के सुसज्ज होते। और ऐसे ही समय क्या हुआ, अद्भुत चमत्कार, भगवान जैसे अवतार लिए तो चतुर्भुज नारायण आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। क्यों आए चतुर्भुज नारायण में? क्योंकि वसुदेव और देवकी ने करोड़ों जन्मों की तपस्या की थी, हमें आपको चतुर्भुज नारायण के रूप में बच्चे के लिए देखने। और यही कारण है कि जिस माँ ने इतना बलिदान दिया था, इतना त्याग किया था, आंखों के बच्चे, छह बच्चे मरते देखा था, सातवें बच्चे का गर्भपात देखा था, इतना दुख कष्ट सहन करने के बाद भी वो भगवान एक घंटे के लिए भी उस माँ के पास नहीं रुके। इसका कारण क्या है? भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी की, उनको सिर्फ देखना था। भगवान को किसके रूप में? चतुर्भुज नारायण के बालक के रूप में देखा। तो भगवान ने कहा, आपने देखा, आपकी इच्छा पूरी हुई, अब उस माँ के पास जा रहा हूं। इस माँ ने क्या इच्छा की है? बाल लीला का आनंद लेने का इच्छा की। इसलिए भगवान एक घंटा भी उस माँ के पास नहीं रुके, लेकिन माँ ने उसको दूध पिलाया। क्यों दूध पिलाया? ताकि इस बच्चे के लिए मैंने सब कुछ सहन किया है, अगर इस बच्चे को भी मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो माँ कैसे कहलाऊंगी? और आगे जाकर यह बच्चा इस दूध का कर्जा उतारने के लिए मेरे मरे हुए छह बच्चों को लाएगा, अभी दूध पी के जाएगा तो मेरे स्तन महाप्रसाद बनेंगे। अरे छह बच्चों को जब लाएगा, ये स्तन जो स्तन पान करोगी, ये बच्चे जो मरे हुए फिर से जिंदा होंगे और मुझे छह पुत्र वापस मिलेंगे। इस भावना ने देवकी माता ने भगवान को दी। उसके बाद भगवान कहाँ निकल गए? यशोदा के पास। तो आए चोरी चोरी, पूरा जीवन मामा कंस इस भांजे के राधे का, लेकिन मामा को मामा बनाकर, उल्लू बनाकर, मामा को पता नहीं चला कि भांजा कभी आया और कभी चला, पता चलता था। लेकिन देवकी माता ने क्या कहा है? एक चतुर्भुज नारायण आप मत कीजिए, एक चार हाथों का रूप आप मिटा दीजिए, अरे साधारण बालक के रूप में हमारे समय कर लीजिए। अरे सारे सिपाही को पता चला कि चार हाथ वाला बच्चा है, तो तुरंत जाकर हम किसको बताएंगे? कंस को। कंस तुरंत बताएगा आपको मारने का प्रयास किया। इसलिए माँ ने जब विनती की तो भगवान ने माँ के कहने पर चतुर्भुज रूप क्या किया है? छोड़कर एक साधारण बालक के रूप में धारण किया। उसके बाद भगवान के पिता वसुदेव ने एक चमत्कार किए जो हमें भक्तों को करना चाहिए। क्या चमत्कार किए? क्या कार्य किए? उस वसुदेव जी ने उस बालक को तुरंत गले से लगाया। क्या चमत्कार हो? एक के बाद एक, जैसे वसुदेव जी ने उस बालक को गले से लगाया तो उनके हाथ की पे, हाथ की पैर की भैया तुम पे, समझिए। ऐसे वही भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, उस भगवान को आचार्य के हमें गले से लगाया। जैसे वसुदेव जी ने भगवान को गले से लगाया, वही भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, उस नाम को गले से लगाएंगे तो हमारी भी बेटियां टूट पड़ सकती है। हमारे पैरों में क्या मिली है? तीन गुणों की मिली है, तीन तापों की मिली है, छह प्रकार के रूप है, जन्म मृत्यु का बंधन है, ये सारे बंधनों से हम कभी मुक्त होंगे? वसुदेव के समान जब हम भगवान जो हमारे दिल में कंस के कारागर के समान है, अंदर कुंडी है, उसमें प्रकट हो रहे नाम के रूप में, उस भगवान को गले से लगाएंगे नाम के रूप में। इसलिए गीता का श्लोक है, तेषां सतति युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक है उस भगवान के नाम को, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार ले रहे, उस नाम को गले से लगाइए जो वसुदेव
आपको होगा। वसुदेव जी ने गले से लगा, हाथ की पैर की धड़िया टूट पड़ी, ऐसे सारे आपके बंधन टूट पड़े। इसलिए कलयुग में भगवान जो आ रहे उनको बड़े प्रेम से गले से लगाना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। दूसरा चमत्कार क्या हुआ गले से लगाने से? जितने भी बड़े बड़े दरवाजे थे उसमें ताले थे, बड़े बड़े ताले, उन तालों का नाम था हरिसन ताला। क्या नाम था? हरिसन। ये हरिसन ताले इतने मजबूत होते हैं ये भी टूट पड़े। क्यों? सिर्फ भगवान को गले लगा सकते। ऐसे हम भी भौतिक जगत में है, जेल है, इसमें माया ने बड़े बड़े ताले लगाए, ये भी टूट पड़ेंगे जब भगवान को नाम के रूप में गले लगाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। दूसरा चमत्कार, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे जब भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे उनको गले लगाएंगे। तीसरा चमत्कार, ये जितने भी सिपाही थे, रक्षा कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे, पूरी फोर्स लगाई थी, ये सारे बेहोश हो गए। ऐसे माया के जितने भी जासूस है जो हम पे नजर रखे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, बेहोश हो जाएंगे भगवान को गले से लगाएंगे। उसके बाद उस रात को 12 बजे कुत्ते भौंकना बंद हो गए। कुत्ते के मुंह में साइलेंस किसने लगाया? सिर्फ भगवान का नाम लेने से जो कुत्ते भोंक रहे माया के कुत्ते, वो कुत्ते भोंकना बंद करेंगे। अंत में क्या हुआ? उस रात को घनाशान बारिश होती है। ऐसे हमारे जीवन में सुख की बारिश होगी, खुशियों की बारिश होगी, अगर उस भगवान को कलयुग में हम अपने दिल से लगाएंगे। जैसे वसुदेव जी ने भगवान अवतार लेते ही भगवान को गले से लगाया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? उस भगवान को हम खुद भी गले से लगाएंगे। किस रूप में? नाम के रूप में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इस प्रकार कलयुग का स्वभाव क्या है? भले भगवान प्रत्यक्ष रूप हमारे जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन वही भगवान ज्यादा कृपालु है, शक्तिशाली है। भगवान 24 घंटा 7 दिन पूरा जीवन आपके साथ अवतार लेने की तैयार है। कलयुग में ऐसा एक भी क्षण नहीं कि भगवान अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि कृष्ण सारे नारायण सारे अवतार साल में एक बार थे। अभी जन्माष्टमी हो गई, अगले जन्माष्टमी कितने दिन के बाद आएगी? 364 दिन के बाद। राधाष्टमी 364 दिन के बाद। रामनवमी 364 दिन के बाद। बलराम जयंती 364 दिन के बाद। नरसिंह जयंती 364। तो हर अवतार, हर नारायण, हर विष्णु, भगवान कृष्ण, राधा रानी भी हमें मजबूर करती है 364 दिन धारण। लेकिन एक अवतार ऐसा है कलयुग में जो कलयुग के जीवन को मजबूर नहीं करता, राहत रखने के लिए जितना हम दिल से पुकारेंगे, जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है। उस अवतार का नाम है नाम अवतार। उस नाम अवतार को हमेशा गले से लगाइए, आप हमेशा बंधन से मुक्त है, भेदों से मुक्त है, आपको माया स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया को छलांग पाएंगे और इसी जन्म हम भगवान के घर जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जन्माष्टमी महामहोत्सव की Krishna, 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 Hare Hare।
का एक प्रॉब्लम है वो भगवान नाम के रूप में हमेशा आपके साथ रहकर सारी समस्याओं से आपको ऊपर उठाएंगे। यही संदेश है, इसलिए भगवान को अपने साथ लेके जाइए। जिनके पास माला नहीं है आज माला खरीदिए, माला करने से हम माला मोल होंगे, समझ गए? माला करने से हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि माला है तो भगवान आपके साथ है। भगवान नाम के रूप में उतर रहे, इसलिए हर कोई आज माला लेके जाइए, माला पे जप कीजिए। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस जन्माष्टमी महा महोत्सव के अवसर पे
हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में भगवा के जाने वाले चिकित्सक डॉक्टर विनोद शंकर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं, और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी उनकी धर्मपत्नी और बाकी परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। समाज सेवी बिरजू पटेल जी हैं, डॉक्टर देवेश्वर जी हैं, और भी बहुत से गणमान्य सम्मानीय प्रभु जी एंड माता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो इन सबका हम हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित वैष्णव भक्त और वैष्णवताओं का भी हम विशेष आभारी हैं कि इतनी गर्मी में भी आप लोगों ने अपने जीवन को कृष्णमय बनाने के लिए यहाँ पर आए और इस कथा का श्रवण कर पाए। बहुत से भक्त माता जी और प्रभु जी बाहर में खड़े हैं और कैमरा तो टीवी चल रहा है, दोनों तीन तीन टीवी बाहर में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था नहीं दे पाए। इसके लिए हमें खेद है और आगे से हम प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से आने वाले श्रद्धालु भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो। क्योंकि हम लोगों ने व्यवस्था किया था, लेकिन फिर भी हमारे व्यवस्था से अच्छा उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई और हमें प्रोत्साहित किया। तो आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न ना हो बैठक। तो बाकी सब आप प्रभु माता का भी हमारे सवाल करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ अभी जो है छोटे बच्चों का नृत्य होगा और नृत्य के पश्चात अभिषेक का कार्यक्रम होगा, और अभिषेक होने के बाद बहुत सुंदर है भगवान के जन्म की लीला को हमारे इस्कॉन भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, और लीला के पश्चात बहुत सुंदर आरती होगा, महाआरती। आरती के बाद और आरती के बाद बहुत सुंदर है भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा छप्पन भोग के साथ। तो बहुत सारे कार्यक्रम है और आपको केवल जरूरत है धैर्य से बैठने की। अंत में सबके लिए एकादशी प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। तो अभी मैं थोड़ा कुछ भक्तों का नाम अभी बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर डांस कार्यक्रम होगा, और उसके बाद अगर बच्चे आ गए होंगे तो इस बीच बाद आने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हम कुछ आवश्यक सूचना भी देना चाहेंगे। जो भी हमारे रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हुए हैं वहाँ पर जो भी प्रसादा भोग लगाने के लिए आया है वे प्रसादा यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ लाकर भक्तों के द्वारा उसको अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। साथ ही साथ देखिए भगवान के लिए बहुत सुंदर है वस्त्र अलंकार आभूषण सेवा प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला नाम है बेबी देवी माता जी का गवई प्रदेश से है, जो भी जगन्नाथ बलिए सुभद्रा के लिए गौर माता के लिए बहुत सुंदर
वस्त्र की सेवा में भी है, आभूषण भी है, अलंकार भी है। और दूसरा नाम है शिवानंद जी, जो भी अखलासपुर से है, उनके द्वारा भी बहुत सुंदर है भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण सेवा प्राप्त हुआ है। तीसरा नाम है मनीष कुमार खनु, जो कि यहाँ भगवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत है, उनके द्वारा भी बहुत सुंदर जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा के लिए वस्त्र है और अलंकार है सेवा में प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पूरे भगवा में जो इन्विटेशन कार्ड है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, घर घर तक बहुत सारे लोगों के बीच में निमंत्रण कार्ड दिया गया है और आज भी वितरित किया जा रहा है। तो ये इन्विटेशन कार्ड की सेवा है। मोनू ज्वेलर्स प्रोप्राइटर है मोनू कुमार जी के तरफ से ये इन्विटेशन कार्ड की सेवा प्राप्त हुई है। इसके बाद पूरे भगवा शहर में बड़े बड़े डिस्काउंट के होल्डर लगाए गए हैं, फ्लैश बोर्ड बने हुए हैं। आप यहाँ जाएंगे तो हमारे मंदिर के सामने बहुत बड़ा डिस्काउंट नंबर सेक्टर का फ्लैश बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सेवा जो है नीम निशा होलसेल बाजार जो कि यहाँ भगवा का ओपन हुआ है, इनके द्वारा सेवा प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ आज जो जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा जी की महाअद्भुत सेवा होगी, ये दीप मोदार्थ स्कूल भगवा प्रोप्राइटर प्रीतेश जी और अमृतेश जी के द्वारा प्राप्त है। साथ ही साथ महाआरती की सेवा सीधा मेडिकल हॉल बाबू जी के तरफ से प्राप्त हुआ है। तो इन सारे भक्तों का जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया है और भी बहुत से लोग हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन जिसने भी हृदय से तन से मन से और धन से इस कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में अपना सेवा दिया है, हम सबके विशेष आभारी हैं। और हम इस व्यास मंच से सबके लिए मंगल कामना करते हैं और जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए और इसी प्रकार से ये अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित करते रहे और अपने जीवन को कृष्ण में मनाकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी शुभकामना के साथ हम महामंत्र से ऐसे सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो अभी कुछ आवश्यक सूचना है जिसको आप सुन लें ताकि कार्यक्रम के बाद आपको सुविधा प्रदान हो सके। देखिए अभी बच्चों के द्वारा नृत्य होगा, आप जहाँ पर हैं वहीं से इस नृत्य का आनंद लीजिए। अगर बाहर में हैं तो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी एक दृश्य दिखेगा चलेगा। और दूसरी बात है कि इसके बाद बहुत सुंदर है लॉन्च यूनाइटी का अभिषेक होगा। तो बहुत सुंदर है गौर मोदाई की राधा कृष्ण का अभिषेक होगा। और अभिषेक के लिए जो लोग व्रत किए हुए हैं, ये विशेष सूचना है सबके लिए, जो लोग व्रत किए हुए हैं जन्माष्टमी का व्रत, और जो धोती कुर्ता में प्रभु जी लोग के लिए धोती कुर्ता अनिवार्य है और व्रत होना ये जो चीज है, और माताओं के लिए जो व्रत की है और साड़ी में है नॉट सलवार सूट, और समय भी लिमिट है मात्र 11 बजे तक की एक अभिषेक का कार्यक्रम चलने वाला है। और मैं एक चीज बता दूं, अगर कुछ लोग अभिषेक न भी कर पाए
तो शास्त्र की दृष्टि से बताया गया है कि अभिषेक होते हुए जितना फल अभिषेक करने वाले को मिलता है उतना ही फल इस अभिषेक का दर्शन करने वाले को भी प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी मन में ऐसी कहानी मत रखिएगा कि हमने तो भगवान का अभिषेक नहीं किया, हाय हाय क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जितने धन्यवाद के पात्र अभिषेक करने वाले होंगे उतने ही धन्यवाद कृपा के पात्र इस अभिषेक का दर्शन करने वाले होंगे। तो आप लोग धोती कुर्ता और प्लस व्रत, माताओं के लिए व्रत और प्लस साड़ी। तो अभी शायद तैयारी हो चुकी है, माता जी रेडी सुरेश प्रभु आप रिकॉर्डिंग चालू कीजिए।